ऑफशोर फ्लीट और जॉब्स को लेकर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये PSV, DSV, OSV, STS, FPSO, ड्रिलिंग जैकअप रिग्स इत्यादि इत्यादि ये सब होते क्या हैं। इसके पहले ये जानना जरूरी है कि ऑफशोर फ्लीट में वे सभी जहाजें और अपतटीय गतिशील उपक्रम आते हैं जो ऑफशोर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रकार के ऑफशोर की जहाजें होती है सबको हमने डिटेल्स में समझाया है, जिसमें पहला है प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल यानी PSV या ऑफशोर के ऑयल एंड गैस प्लेटफॉर्म या ड्रिलिंग रिग्स के लिए सर्विस देता है। PSV ऑफशोर प्रतिष्ठानों के लिए डेली इस्तेमाल होने वाले सामान, इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स जैसे कि ड्रिलिंग फ्लूड्स, ईंधन, पानी और अन्य सभी जरूरी सामानों का सप्लाई करता है। PSV के जहाज पर माल ले जाने के लिए एक बड़ा डेक एरिया होता है और साथ ही लिक्विड पदार्थों जैसे कि फ्यूल, वाटर और अन्य केमिकल्स रखने के लिए टैंक भी होते हैं। दूसरा है एंकर हैंडलिंग टग सप्लाई वेसल यानी AHTS। एंकर हैंडलिंग टग सप्लाई वेसल्स को ऑफशोर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एंकर हैंडलिंग, टोविंग और सप्लाई ऑपरेशंस में। यह अपने पावरफुल इंजन और विंचेस के लिए जाना जाता है, जिसकी सहायता से भारी एंकर, प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स, बड़े से बड़े ड्रिलिंग रिग्स और बार्जेस को टो कर सकता है। इसके अलावा यह PSV की तरह ही कर्मचारियों, इक्विपमेंट्स और जरूरी सामान को ऑफशोर इंस्टॉलेशंस तक ट्रांसपोर्ट करता है। यह क्रू कर्मचारियों और ऑफशोर ऑपरेशंस के सेफ्टी पर्पज के लिए उनके इर्द गिर्द स्टैंड बाई भी रहता है। तीसरे टाइप का ऑफशोर फ्लीट है डाइव सपोर्ट वेसल यानी DSV। DSV ऑफशोर इंडस्ट्री में डाइविंग ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह जहाज ऑफशोर इंस्टॉलेशंस जैसे कि ऑयल एंड गैस प्लेटफॉर्म और अंडर वाटर पाइपलाइंस के लिए अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, वेल्डिंग, कटिंग, सबसी इंस्ट्रक्चर के इंस्पेक्शन, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के कामों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। DSV जहाज कई तरह के इक्विपमेंट से लैस रहते हैं, जैसे कि गोताखोरी घंटा, सेचुरेशन डाइविंग सिस्टम, हाइपरबेरिक चैम्बर जिससे कि पानी के नीचे काम कर रहे गोताखोरों की सहायता किया जा सके, डायनेमिक पोजीशन यानी DP, डाइव साइट के ऊपर स्थिर स्थिति बनाए रखने के लिए DSV अक्सर डाइव पोजीशन सिस्टम से लैस रहता है, जो सटीक और सुरक्षित डाइविंग ऑपरेशंस के लिए आवश्यक है। DSV पर अकोमोडेशन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होता है, जिससे कि काम कर रहे क्रू के सेफ्टी, रोटेशन और उनकी भलाई सुनिश्चित हो सके। चौथा है अकोमोडेशन वेसल्स। ऑफशोर प्रतिष्ठानों में काम कर रहे क्रू कर्मचारियों के वर्क लाइफ बैलेंस को बनाए रखने के लिए अलग से एक अकोमोडेशन वेसल्स होता है, जिसमें वे अपने शिफ्ट वर्क के दौरान रेस्ट आवर्स में आराम कर सकें। दरअसल अकोमोडेशन वेसल ऑफशोर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए घर जैसा होता है, जिसमें अधिकतर सिंगल केबिन होता है जो कर्मचारियों के लिए पर्सनल होता है और बड़े हॉल भी होते हैं। इसके अलावा उसमें खाना खाने के लिए डाइनिंग एरिया, रिक्रिएशनल रूम्स, जिम, लॉन्ड्री और कॉमन गप्पे सप्पे लड़ाने के लिए भी हॉल होते हैं। सेफ्टी और इमरजेंसी से रिलेटेड लाइफ सेविंग अप्लायंस भी होता है। काम के रोटेशन को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को एक इंस्टॉलेशन से दूसरे इंस्टॉलेशन तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पांचवें टाइप का ऑफशोर फ्लीट है फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग वेसल्स यानी FPSO। FPSO अपनी गतिशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी और बजट प्रभावी गुणों के कारण ऑफशोर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन क्षेत्रों में काफ़ी पॉपुलर है। यह प्रोडक्शन, स्टोरेज और अन्य हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के ऑफलोडिंग के लिए एक कंबाइंड यूनिट है। FPSO को तैरने वाले एक बड़े आकार में बनाया गया है, जिसे गहरे समुद्र में स्थित ऑफशोर के तेल और गैस प्रतिष्ठानों के साथ बांध कर लगाया जा सके। इस वेसल पे ऐसे इक्विपमेंट रहते हैं जो सब्सी के कुएं से इकट्ठा किए हुए तेल, गैस और पानी को अलग अलग करके आगे के तेल और गैस के प्रोसेसिंग के लिए रेडी कर देते हैं। फिर अलग किए हुए तेल को यह अपने टैंक में स्टोर करते हैं,
और उसके बाद या तो या किसी दूसरे जहाज को रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर इस तेल को डायरेक्ट ऑन शोर पर दे देते हैं। अगर ऑन शोर को देना हो तो इसके लिए एक शटल टैंकर आता है जिसको FPSO तेल को ट्रांसफ़र कर देता है और फिर वह शटल टैंकर इसे बाजार में या फिर रिफाइनरी को ट्रांसफ़र कर देता है। छठवां है फ्लोटिंग स्टोरेज एंड ऑफ लोडिंग वेसल्स यानी FSO। FSO भी तेल और अन्य कार्बनिक पदार्थों के लिए भंडारण और ट्रांसफरिंग का काम करता है, लेकिन FPSO की तरह FSO ऑयल और गैस के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग का काम नहीं करता है, यह केवल बस तेल के स्टोरिंग और ऑफ लोडिंग का काम करता है। सातवां है ऑफशोर सपोर्ट वेसल यानी OSV। ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स में कई तरह के वेसल्स होते हैं जिससे कई तरह के काम में इस्तेमाल किया जाता है, और वो काम क्या क्या रहते हैं जैसे कि ऑफशोर विंड फार्म और सबसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के साथ साथ ऑफशोर ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस के लिए OSV से ऑनशोर और ऑफशोर प्रतिष्ठानों के बीच कर्मचारियों, कलपुर्जों, जरूरी सामान, ड्रिलिंग फ्लूड्स, फ्यूल, तेल और पानी के सप्लाई का काम किया जाता है। कुछ OSV टाइप के शिप पर एक्सीडेंटली फैले हुए तेल की सफाई करने के लिए भी इक्विपमेंट रहते हैं जिसे समुद्र और इंस्टॉलेशन को क्लीन करके सेफ रखा जा सके। इसके अलावा कुछ टाइप के वेसल्स इमरजेंसी के दौरान ऑफशोर ऑपरेशंस और कर्मचारियों के सेफ्टी के लिए स्टैंड बाई रहते हैं, और कुछ एंकर हैंडलिंग, कुछ टोइंग और कुछ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी ROV सपोर्ट और कुछ अकोमोडेशन सपोर्ट के भी काम में आते हैं। आठवें टाइप का ऑफशोर वेसल है ऑफशोर कंस्ट्रक्शन वेसल्स यानी OCV। इस तरह के वेसल ऑफशोर इंडस्ट्री के विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशंस जैसे कि तेल और गैस प्लेटफार्म, विंड फार्म, सबसी पाइपलाइन और अन्य ऑफशोर प्रोजेक्ट के कार्यों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए रहते हैं। OCV जहाज़ों पर हैवी ड्यूटी के क्रेन होते हैं जिससे कि बड़े से बड़े स्ट्रक्चर्स, इक्विपमेंट और अन्य सामानों को समुद्र के धरातल या फिर ऑफशोर प्लेटफार्म पर इंस्टॉल किया जा सके। अन्य ऑफशोर वेसल्स की तरह OCV पर भी डायनेमिक पोजीशनल सिस्टम होता है जिससे कि ये अपनी स्थिति और स्थिरता को सिक्योर रख सके। कुछ OCV ऐसे डिजाइन होते हैं कि वे तेल, गैस और अन्य तरल पदार्थों के ट्रांसफरिंग के लिए पाइपलाइन बिछाने के काम में आ सकें। इसके अलावा कुछ OCV का इस्तेमाल ROV सपोर्ट, अकोमोडेशन डाइविंग सपोर्ट, सबसी इंटरवेंशन और ऑफशोर के उपकरण लगाने में किया जाता है। नवा फ्लीट है जैकब रिग्स। जैकब रिग्स कोई टेक्निकली तौर पर कोई जहाज नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल ऑफशोर ऑपरेशंस में किया जाता है। जैकब रिग्स जो है वो ऑफशोर ऑयल एंड गैस क्षेत्र की खोजकारी खुदाई यानी खोजकारी ड्रिलिंग, डेवलपमेंट ड्रिलिंग और प्रोडक्शन के कार्यों में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स यानी MODU है। जैकब रिग्स में लंबे और एक्सटेंडेबल लेग्स होते हैं जो समुद्र के धरातल पर खड़े होकर अपने प्लेटफॉर्म के हल को पानी की सतह से ऊपर रखते हैं। इसमें जैकिंग सिस्टम होता है जो पानी की गहराई और उसके सतह के हिसाब से अपने पैर को छोटा या बड़ा करके हल को पानी की सतह से ऊपर रख सके। इसमें खुदाई करने वाले उपकरण भी होते हैं जो समुद्र के धरातल को खोदकर उसमें से हाइड्रोकार्बन को इकट्ठा कर सकें। दसवां ऑफशोर फ्लीट है सेमी सबमर्सिबल रिग्स। यह भी टेक्निकली तौर पर कोई जहाज नहीं है, लेकिन इसे ऑफशोर ड्रिलिंग के काम में इस्तेमाल किया जाता है। जैकब रिग्स की तरह सेमी सबमर्सिबल रिग्स भी गतिशील अपतटीय खुदाई यूनिट यानी MODU है जो ऑफशोर ऑयल एंड गैस सेक्टर के ड्रिलिंग ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। MODU कोई जहाज नहीं है, इसे रिग्स बोलते हैं, जहां जैकब रिग्स मात्र कुछ 100 फीट तक की ही समुद्र की गहराई में इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं सेमी समर्सिबल ज़्यादा दूर और गहरे समुद्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। सेमी समर्सिबल रिग्स के हल बोयांट होता है जिससे वह आंशिक रूप से पानी में डूबा रहता है, जिसके वजह से रफ सी में भी वह समुद्र में अपनी स्थिरता बनाए रख सके।
इन रिग्स में बैलास्ट टैंक भी होता है, जिससे अपनी बोयांसी के हिसाब से ये उसमें सी वाटर भर के या निकाल के एडजस्ट करते रहें। इसके अलावा इस पे डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम, रहने के लिए रूम और खुदाई करने वाले उपकरण मौजूद रहते हैं। 11वां फ्लीट है फ्लोटिंग ड्रिलिंग यूनिट्स यानी FDU। फ्लोटिंग ड्रिलिंग यूनिट्स एक व्यापक शब्द है जिसमें समुद्र के कार्यों में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म शामिल है, और इन सभी का इस्तेमाल गहरे समुद्र में किया जाता है। जैसे कि फ्लोटिंग ड्रिलिंग यूनिट्स में शामिल पहला है सेमी समर्सिबल रिग्स। सेमी समर्सिबल रिग्स भी एक प्रकार का FDU है, यानी फ्लोटिंग ड्रिलिंग यूनिट्स, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। दूसरा है ड्रिल शिप। ड्रिल शिप एक तरह का जहाज है जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट से लैस रहता है, और उस पर डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम भी रहता है जो डीप वाटर में ऑपरेशंस के काम आ सके। इसके अलावा स्पार प्लेटफॉर्म्स, टेंशन लेग प्लेटफॉर्म्स यानी TLP और FPSO भी फ्लोटिंग ड्रिलिंग यूनिट्स में शामिल है। 12वां फ्लीट है पाइप लेइंग वेसल्स। पाइप लेइंग वेसल्स एक प्रकार का विशेष जहाज होता है जिसका इस्तेमाल ऑफशोर इंडस्ट्री में सी बेड पर पाइपलाइन बिछाने के काम में आता है। ऑफशोर और ऑनशोर के बीच में तेल, गैस और अन्य तरल पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन बिछाई जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इन जहाज़ों पर पाइपलाइन इक्विपमेंट्स, डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम, पाइप स्टोरेज कैपेसिटी, डीप वाटर कैपेबिलिटीज, ट्रेंचिंग कैपेबिलिटीज और ROV सपोर्ट सिस्टम लगे रहते हैं। 13वां फ्लीट है केबल लेइंग वेसल्स। विभिन्न क्षेत्रों के दूर संचार नेटवर्क और विद्युत शक्ति के प्रसारण के लिए समुद्र तल पर केबल बिछाने का महत्वपूर्ण काम केबल लेइंग वेसल्स के द्वारा होता है। ये जहाज केबल स्टोरेज कैपेसिटी, ROV सपोर्ट, रूट सर्वे, डायनेमिक पोजिशनिंग, केबल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, पावर केबल लेइंग और फाइबर ऑप्टिक केबल लेइंग से लैस रहता है। 14वां ऑफशोर फ्लीट है वेल इंटरवेंशन वेसल यानी WIV। इसका इस्तेमाल ऑफशोर ऑयल एंड गैस सेक्टर के सबसी के कुओं के मेंटेनेंस, रिपेयर और सुधार के लिए किया जाता है। इसमें टोटल 14 प्रकार के ऑफशोर वेसल्स को बताया गया है। अगर आपके नज़र में कोई छूट गया हो या लेटेस्ट में कोई आया हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।